सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने यहाँ कढ़ाई में 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाइस्ड अनियन मिला लेंगे। मैंने यहाँ 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, इनके मैंने डाइस पीसेस कर लिए हैं और जो भी छोटे टुकड़े बचेंगे आप उन्हें फेंकिएगा नहीं, आप उन्हें ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अब इन्हें हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट कलर होते तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ अनियंस का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अभी हम बस इन्हें निकाल लेंगे। अब उसी तेल में मैंने यहाँ 2 शिमला मिर्ची ली है, इन्हें भी मैंने डाइस पीस में कट कर लिया है। अब इन्हें भी हम हल्का सा 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। बेसिकली फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि शिमला मिर्ची का कलर चेंज ना हो जाए। हाई फ्लेम पे मैंने शिमला मिर्ची को 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लिया है। बेसिकली ये थोड़ी सी कुक हो गई है पर ओवर कुक ये नहीं हुई है, तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। प्याज और शिमला मिर्ची तो हमारी अब भून के हो गई है, तो फिर चलिए ग्रेवी की तैयारी शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और मिला लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो गया है मैंने इसमें 1 चम्मच से भी कम खड़ा धनिया मिला लिया है। 6 से 7 पीस मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ भी मिला दी है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो भी इस समय मैं मिला रही हूँ। 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है वो भी मैं इस समय इनमें मिला रही हूँ। अगर आप चाहे तो हरी मिर्ची को बिना काटे भी इसमें मिला सकते हैं। और 2 बड़े प्याज जिन्हें मैंने रफली काट लिया है वो भी इस समय मैंने इनमें मिला लिया है। 3 बड़े टमाटर जो कि अच्छे से पक गए हैं इन्हें मैंने रफली काट के इनमें मिला लिया है। पंद्रह से 20 काजू के टुकड़े भी हमें इनमें मिला लेना है। 1 चम्मच मैं इसमें वाटरमेलन सीड्स भी मिला रही हूँ जिन्हें हम मगज बोलते हैं, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा काजू ज्यादा मिला लीजिएगा। इसी के साथ मैंने 1/2 चम्मच खसखस भी इसमें मिला ली है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके हम इन्हें पका लेंगे। जब तक प्याज और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएंगे और काजू भी पक नहीं जाएगा तब तक हमें इन्हें पका लेना है। पर मैं इनमें पानी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि टमाटर और प्याज में वैसे भी थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, तो अगर हम इन्हें धीमी गैस पे पकाएंगे तो टमाटर और प्याज अपना पानी धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीमी आंच में 10 मिनट तक रहने के बाद अगर आप देखेंगे तो प्याज और टमाटर यहाँ अच्छे से गल गए हैं। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए और कुक कर लूंगी। इस समय टमाटर प्याज और काजू परफेक्टली कुक हो गए हैं, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इन्हें हम कम्प्लीट ठंडा भी कर लेंगे। और रूम टेम्परेचर पे सारी चीजें अभी हमारी ठंडी हो गई है, तो फिर चलिए अभी हम इनकी एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मिक्सर का एक जार ले लिया है और इसमें अभी मैं टमाटर प्याज और काजू का हमने जो मिश्रण बना के रखा था वो इसमें मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। सारे मसालों की स्मूथ पेस्ट अभी इस समय हमारी तैयार हो गई है। कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, टेक्सचर भी अच्छा स्मूथ है, तो फिर चलिए अब कढ़ाई पनीर की हम ग्रेवी भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पे अभी रख ली है जिसमें मैं 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल मिला रही हूँ। आप जो भी रेगुलर ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल इस समय कर सकते हैं। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो गया है मैंने इसमें 1 चम्मच बटर भी मिला लिया है। बटर इस समय हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे ही बटर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा मैं इसमें 2 बड़ी इलायची मिला दूंगी और उसी के साथ साथ मैं 2 तेज पत्ते भी मिला लूंगी। बटर और तेल ज्यादा गर्म होने के पहले ही अगर हम ये मसाले इनमें मिला दें तो तेल में इन मसालों का टेस्ट बहुत अच्छे से उतर के आता है। प्याज टमाटर और काजू की हमने जो अभी स्मूथ पेस्ट बना के रखी है वो भी इस समय मैं तेल में मिला रही हूँ। इस पेस्ट को अभी हम अच्छे से भून लेंगे। याद रखिए इसे भूनते हुए गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। जब तक धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक मैं इन्हें भूनती रहूंगी। मिक्सर के जार में थोड़ा सा मसाला जो बच जाता है वो भी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसे भी मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इसमें मिला लिया है।
हमने इस समय इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, तो जब तक के पानी थोड़ा सा सूख नहीं जाएगा, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाएगी, तो हम इन्हें बीच बीच में हिलाते हुए पका लेंगे। ग्रेवी को यहाँ पकते पकते 5 से 7 मिनट हो गए हैं, थोड़ी सी थिक ग्रेवी हो गई है, तो इसी समय हम इसमें सूखे मसाले डालना भी शुरू करेंगे। तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला लिया है और 1/2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी मिला रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ज्यादा मिला लीजिए। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर भी मिला लिया है और 1/2 चम्मच से भी कम मैं इस समय गर्म मसाला पाउडर मिला रही हूँ और 1/2 चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला भी मिला लिया है। ग्रेवी का कलर परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल दिखने के लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी मिला रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस समय इसमें कोई भी लाल कलर का फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सूखे मसालों को भी मैंने इस समय मिक्स कर लिया है। अब ग्रेवी के साथ साथ ये भी परफेक्टली कुक हो जाएंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर भी मैंने इस समय ग्रेवी में मिला लिया है। इसे भी अभी हम मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी यहाँ हमारी लो गैस पे धीरे धीरे कुक हो रही है। मैं इन्हें बीच बीच में हिला रही हूँ ताकि नीचे से ये जल ना जाए। इस समय हम ग्रेवी में कसूरी मेथी भी मिला लेंगे। कसूरी मेथी को मैंने हाथ में लेके रगड़ लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका एक स्मूथ पाउडर तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ मैं इसमें स्वादानुसार नमक भी मिला लूंगी। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज्यादा मिला सकते हैं। अब इन सबको हम ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी भी इस समय थोड़ी सी थिक भी हो गई है और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आ गया है। लो गैस पे ग्रेवी को भूनते हुए काफी टाइम हो गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रेवी में से तेल छोड़ना इस समय शुरू भी हो गया है। इसे मैं एक बार फिर से मिला देती हूँ। बस अब सब कुछ रेडी हो गया है। तो सर्व करने के पहले हमने जो शिमला मिर्ची और अनियन को भून के रखा था वो भी इसमें मिला लेंगे और साथ ही में मैंने 200 ग्राम मलाई पनीर लिया है, वो भी मैं इस समय मिला रही हूँ। मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है, पर अगर आपको पनीर फ्राई करके खाना पसंद है तो जिस समय हमने कैप्सिकम और अनियन को फ्राई किया था उसी समय आप पनीर को भी फ्राई कर लीजिएगा। देखिए अब हम सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि ग्रेवी में सबका स्वाद अच्छे से लग जाएगा। पनीर, कैप्सिकम और अनियन ग्रेवी में इस समय अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सारे मसालों का स्वाद भी पनीर में अच्छे से लग चुका है। अगर आप चाहे तो हमने जो तेज पत्ता इसमें मिलाया था आप वो ग्रेवी में से इस समय हटा भी सकते हैं। कढ़ाई पनीर की ग्रेवी इस समय काफी थिक है, तो मैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी मिला रही हूँ। अगर आप और पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी ज्यादा मिला लीजिएगा, पर मेरे घर में थिक ग्रेवी की सब्जी खाना ही सबको पसंद है। पनीर में इस समय हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे। इस तरीके से हमने जो पनीर डाला है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर इस समय परफेक्टली रेडी हो गया है। ग्रेवी का कलर और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर से इस समय तेल भी छूटना शुरू हो गया है। तो चलिए फिर अभी से हम नान, पराठा या रोटी के साथ ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और हाँ, आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।